नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने आए हैं। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, UP SSC PET की परीक्षा हो गई है, लेकिन उसके बाद से जो बच्चों के दिमाग में उहापोह की स्थिति बनी है, ये समस्या बहुत ही ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि जो अगली परीक्षा 7882 पदों के लिए लेखपाल की लगी हुई है, जो नवंबर माह में प्रस्तावित है, और उस परीक्षा के लिए जो मिनिमम कट ऑफ है वो क्या जा सकता है, कौन से बच्चे उस परीक्षा में बैठ सकते हैं, कौन से बच्चे बाहर कर दिए जाएंगे, उसके बाद जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो गया, या फिर आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया, या फिर आपके अन्य जैसे AGTE के पोस्ट हो गए, एग्रीकल्चर वाले, अन्य पदों के लिए कहां कट ऑफ कैसा जाएगा और उनका निर्धारण क्या होगा, उनका बेसिस क्या होगा, ये बहुत सारी चीजें बच्चों के दिमाग में चल रही हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी जो आजकल नए नए उभर रहे हैं, है ना, उन वो लोग भी कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में कुछ बहुत सारी चीज़ें रख के, कुछ जाने में कुछ अनजाने में बच्चों के बीच में ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि वो सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं और थोड़ा कहीं ना कहीं उनके अंदर मार्ग से भटकाव की स्थिति हो रही है। हमेशा से मैं यही चाहता था टीम परीक्षा प्लस की तरफ से कि आपके दिमाग में कोई भी ऐसी बात, ऐसी धारणाएं न डाली जाए जो आपको एक अलग मार्ग पर लेके जाए, ना ही टीम परीक्षा प्लस कभी ऐसे बचकानी हरकत की कि कट ऑफ जारी कर दो, ये जारी कर दो, वो जारी कर दो, है ना, बच्चों को लिए भटकाव की स्थिति को। एक तो आप में भी थोड़ी कमी होती है, थोड़ी सी क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, चंचलता बहुत ज़्यादा होती है, वो उसमें कोई गलती वाली बात नहीं है, स्वाभाविक है, कोई भी पेपर दे के आता है तो वो अंदर से क्यूरियसिटी जगती है कि नहीं अब कट ऑफ किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे एक आपका क्या सही है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ नहीं पाते हो, जिसको लेके मैं आज थोड़ी सी चर्चा करने आया हूँ। UP SSC कट ऑफ आसान सी टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इसलिए है क्योंकि कुछ भी नहीं पता है। पहली बात, अगर ये एक ऐसा समझिए, मैं आपको बोर्ड में ही और इस माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। अभी ये एक आपकी PET की परीक्षा थी, ये प्रीलिम्स की परीक्षा थी, और स्टेज टू सेकंड जो स्टेज था, यहाँ पे मुख्य परीक्षा होती, और जो तमाम एग्जाम थे वो सब इसी परीक्षा से, जो मेंस का सेकंड स्टेज था, इसी से भरे जाते, तब तो चीजें क्रिस्टल क्लियर थी। लेकिन यहां से अलग अलग विंग हैं, अलग अलग हैं, जैसे लेखपाल आपका अलग तरीके से लिया जाएगा, इसकी एलिजिबिलिटी कुछ और होगी, ये 12th बेसिस पे लिया जाएगा, तो वहीं आपके जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाला है, मेडिकल है, जिसमें ANM वगैरह मांगेंगे, है ना, ये इसकी एलिजिबिलिटी अलग होगी, उसमें AS की एलिजिबिलिटी भी अलग हो सकती है। उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट वगैरह है, यहाँ पे टाइपिंग जैसी एलिजिबिलिटी ज्यादा जरूरी रखती है, और उसके बाद आपका AGTE जो आने वाला है, टेक्निकल असिस्टेंट वाला एग्रीकल्चर का, इसके लिए आपके क्या है, कृषि से क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो अलग अलग परीक्षाएं जो आपके सेकंड स्टेज में होने जा रही है, क्योंकि सभी की एलिजिबिलिटी डिफरेंट है और एलिजिबिलिटी डिफरेंट है, इस कारण से ये जो कट ऑफ की बात करते हैं हम लोग, इसे क्या कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, ये इतना जल्दी समझने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट आके बोल रहे हैं कि कट ऑफ 50 से 55 जा सकती है, 55 के नीचे वाले तैयारी करो, 60 के नीचे वाले तैयारी करो, है ना, थोड़ा सा सत्यता बतानी होगी यहाँ पे बात को। एक बात तो समझिएगा कि निर्धारित है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कट ऑफ 50-55 से बिलो भी चली जाए, लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं कुछ केसेस ऐसे दिमाग में उठते हैं, कुछ एनालिसिस ऐसी कहती हैं कि कट ऑफ आपका कहीं ना कहीं 65 से 70 के बीच में भी जा सकता है, और अच्छा खासा कट ऑफ जा सकता है। रही बात लेखपाल की, जैसे अभी चेयरमैन ने बोल दिया आपका कि वो 1,20,000 1,18,000 समथिंग को बुलाएंगे, है ना, लेखपाल के लिए। अब 1,18,000 टॉप मेरिट के हिसाब से पहली बात तो ये है कि जो लेखपाल है ये ओपन टू ऑल है। दूसरी बात, बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे कि ट्रिपल सी मांगेगा कि नहीं मांगेगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ, लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है कि ट्रिपल सी मांगेगा कि नहीं मांगेगा, फिर भी वो अपनी तरफ से पूर्वाग्रह कर लिए हैं कि ट्रिपल सी मांगेगा और उसके आधार पर कट ऑफ को नीचे लेके जा रहे हैं। उनका बहुत लोगों का कहना यह है, जो आप लोग देखते आए हो, मैं केवल ये सेशन आपके लिए इसलिए लेके आया हूं कि जो मैक्सिमम चीजें आपके दिमाग में गलत धारणाएं बन रही हैं उनको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, और जो आपकी लेखपाल की तैयारी है वो कैसे आगे चलना है, किस स्पीड में आगे चलना है, क्या दिमाग में लेके चलना है, ये सारी बातें मैं थोड़ा सा आपका 10-15 मिनट सेशन में क्लियर करने वाला हूं।
बच्चे बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा समस्या क्या आ रही है कि ट्रिपल सी मांगेगा कि नहीं मांगेगा। तो दो चीज आप समझो, पहली बात तो इससे पहले भी राजस्व की जब लेखपाल की वैकेंसी आई थी जो फिर से क्या कर ली गई थी, ड्रैग आउट कर ली गई थी, तो वहां पे आपका ट्रिपल सी नहीं मांगा था। हालांकि आजकल सारे जॉब प्रोफाइल जो है वहां पे कंप्यूटर की योग्यता का मांगते हैं, कंप्यूटर की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन एक आधार बनता है, एक केस बनता है कि जब पिछली वाली वैकेंसी में नहीं मांगा था तो हो सकता है इस बार भी ना मांगे। राजस्व में नहीं मांगने के चांसेस क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। उसकी जगह पे आपके सिलेबस में, क्योंकि लोग बोल रहे सिलेबस एकदम नहीं बदलेगा, थोड़ा सा सिलेबस में भी बदलाव हो सकता है। 10-15 क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कंप्यूटर नॉलेज के कुछ क्वेश्चन आपके सीधा सिलेबस में रख दिए जाए, आपसे क्या किया जाए, आपसे यहां पे ट्रिपल सी ना लिया जाए। उसके पीछे आयोग का उद्देश्य केवल इतना रहेगा कि इस वैकेंसी में अवसर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दिया जाए, और अवसर को ध्यान में रखते हुए वो ट्रिपल सी को हटा के और कंप्यूटर नॉलेज अलग से क्वेश्चन सिलेबस में चेंज करके पूछ सकते हैं, तो ये वैकेंसी ओपन टू ऑल हो जाएगी। दूसरे लोगों का क्या कहना है कि ट्रिपल सी अगर मांगेगा तो बहुतों के पास ट्रिपल सी होती नहीं। मैं आज के समय में बता दूं कि ये पीईटी की परीक्षा थी और पीईटी अधीनस्थ की परीक्षा थी, और अधीनस्थ की तैयारी करने वाला आप अगल बगल अपने सब घुमा के देख लो, दुनिया देखने मत जाओ, आपका रूम पार्टनर जो है, आपके अगल बगल जो दोस्त हैं, आपके जो सहपाठी हैं, उनसे पूछो कि क्या आपके पास ट्रिपल सी है। आप देखो कि 100 में से 95 के पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होगा जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो ये कहना एकदम उचित नहीं है कि बहुत सारे लोग ट्रिपल सी के कारण छट जाएंगे। मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो बीटेक जैसी डिग्री करने के बाद भी ट्रिपल सी आते ही, जब इस दुनिया में, इस तैयारी की दुनिया में अधीनस्थ में आते हैं, तो ट्रिपल सी मुश्किल से छोटा सा एग्जाम होता है, 3 महीने में क्लियर करके वो करवा लेते हैं। तो ये कहना एकदम गलत होगा, रिडंडेंट बोल सकते हैं, बिना सोचे समझे बोलेंगे कि ट्रिपल सी के कारण क्या हो रहा है, बच्चे फिल्टर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मुश्किल से 0.5-1% का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैकेंसी हमें समझते हुए चलना है कि सभी को अवसर देते हुए ओपन टू ऑल है, और ओपन टू ऑल है तो थोड़ा सा यहां पे हमें गंभीरता दिखाने की भी जरूरत है, बहुत ज्यादा बचकाने हरकत करने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बात समझिएगा, यहां पे लोग क्या कर रहे हैं, 50 से 55 आपको कट ऑफ बता के पहली बात वो क्या करना चाह रहे हैं, अपना कोर्स सीधा कह रहे हैं कि कोर्स खरीदो, और वहां पे क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा क्या सर्च करते हो, ग्रामीण विकास, ग्रामीण परिवेश आप यहां पे सर्च करते हो और उन्हीं की क्लासेस लगातार चला रहे हैं। मैं यहां पे पॉइंट आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। सपोज करो कोई ऐसा बच्चा जो 60 से नीचे नंबर पा रहा है, और इनकेस जहां पे मेरी एल्गोरिथम कह रही है कि हो सकता है कि 60 से ऊपर ही रहे, 60 से नीचे ना जाए, लेकिन मैं कट ऑफ के बारे में कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा एकदम भी, पूरे वीडियो में ये वीडियो इसलिए नहीं आया हूं कि कट ऑफ क्या है एग्जैक्टली, मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी एक केसेस लेके चल रहे कि अगर 60 के ऊपर होगा, 50 से 55 वाला बच्चा जो पहले से ही ग्रामीण विकास परिवेश पढ़ रहा है, उसके लिए क्या मायने रख जाएगा, वो अपना समय बर्बाद किया। जबकि अगर वही बच्चा, मैं उसे इतना सजेशन दूंगा कि अगर आप जीएस पढ़ोगे तो ना यहां पे सही हो सकता है किसी और वैकेंसी में, ना पीटी से होने वाली वैकेंसी अधीनस्थ में किसी और आयोग की वैकेंसी में, ये जीएस आपके काम आ जाएगा। जिसके पास ट्रिपल सी है, समझिएगा, ट्रिपल सी वहां पर लेके चल रहा हूं, जो बच्चा ग्रेजुएट है, वो बच्चा अभी हाल में ही एससी, आरओ, एआरओ और सीए का फॉर्म आया है, उसके लिए भी एलिजिबल है। और अगर ये जीएस आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है, भले ही इंग्लिश आपकी कमजोर हो तो भी आप जीएस के दम पे यहां पे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, आप भटकाव से बच सकते हो, आपकी नौकरी जल्दी लग सकती है, ज्यादा अच्छी नौकरी लग सकती है। ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिनके अंदर पोटेंशियल है, छोटी छोटी गलतियों के कारण हो सकता है नंबर उनके कम आ गए हों। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैं जानता हूं उनका दिमाग बहुत अच्छा होता है, हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देते आए हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा टेम्परामेंट खराब होता है या थोड़ी सी किस्मत नहीं साथ देती है, आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है और उनके कारण से, लेकिन वो बच्चे यहां पे अच्छा कर सकते हैं, अवसर हमेशा अवेलेबल होता है, एक सीट आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए होती है, लेकिन लोगों को क्या करना है, अपनी फीस निकालना है, लोगों को अपना खर्चा निकालना है। वो कुछ बातें मैं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ, किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है, मुझे उससे मैटर नहीं करता। मेरा केवल एक उद्देश्य होता है कि आपको मैं परेशान ना होने दूं, आपको मैं भटकने ना दूं, आपको वो वहां पे मत जाने दूं जहां से आपका करियर क्या हो जाए, वहां पे गड़बड़ हो जाए या आपके साथ कुछ गलत हो जाए, वो मैं एकदम नहीं चाहता हूं, है ना। ये बात आप जब से जुड़े हो संस्था से तब से जानते हो, और आज मैं ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
तो ट्रिपल सी का सीन आप यहाँ पे समझ सकते हो, ओवर 12 वैकेंसी लेखपाल हो सकती है। हम बाकी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, एक मैं प्लेलिस्ट आपकी बना दूंगा एफए की, कि किसकी, लेखपाल की या एफएक्यू, मैं पीटी की बना दूंगा, है ना, यूपी ट्रिपल एससी एफएक्यू अलग से ही प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें हम अलग अलग एग्जाम के सिलेबस के पैटर्न के कैसे तैयारी करें सबके बारे में चर्चा छोटी छोटी वीडियो बना के आपको दे देंगे कि दिक्कत ना हो, उसके लिए परेशान मत हो, इसी वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना बोलूंगा कि आप अभी चाहे आपके कुछ भी देखो, हालांकि 100 क्वेश्चन थे, अभी मैंने इसके लिए सर्वे भी करवाया था, हालांकि सर्वे में केवल 1100-1200 बच्चे ने अपना एग्जैक्ट आंकड़ा दिया, तो बहुत ही कम आंकड़ा है, इसके बल पे मैं कुछ करूंगा नहीं, मैंने भी ज्यादा उसे प्रमोट नहीं किया कि आप लोग का ज्यादा आंकड़ा लिया नहीं, वरना यह आंकड़ा करीबन 30,000 से 40,000 बहुत आराम से मेरे पास पहले भी था, जूनियर असिस्टेंट में भी था, लोअर वाले में भी था, तो ये फिर से आ जाता, लेकिन मैं चाह रहा हूं पहले एक बार ऑफिशियल आंसर की आ जाए, उससे आप स्कोर कर लो, फिर हम सर्वे कराएंगे, फिर हम लोग वो कट ऑफ डिसाइड करेंगे। कट ऑफ डिसाइड के दो पॉइंट मैं आपको यहां पे कर दूं कि दो केसेस बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत से टॉप से ही ले ले 1,18,000 को, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है केसेस यहाँ पे डिवाइड है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास जब आप पहली बार फॉर्म भरे, कब फॉर्म भरे, पीटी में फॉर्म भरे, तो उसे अपना डेटा दिए, उसे क्या डेटा दिए, अपने एलिजिबिलिटी का, अपने ग्रेजुएशन का, उसे आपने डेटा दे दिया, अभी वो क्या करता है उस डेटा से चीजों को फिल्टर करके और जो एलिजिबल बच्चे हैं उनकी रैंक वो खुद ही कट ऑफ डिसाइड करके कि जो इतना नंबर पाए हैं वो दे देगा, यानी कि आयोग खुद ही पहले ही लेखपाल के लिए एलिजिबिलिटी डिसाइड कर देगा जो डेटा आपने पीटी में भरा है, तब जब वो ट्रिपल सी नहीं मांगेगा तब फॉर्म वो दोबारा भरवाएगा, नो डाउट है, लेकिन वो सीधा उतने गुने के लिए क्या कर देगा, यहां पे बोल देगा कि भैया 15 गुना हमें चाहिए, तो ऊपर से 15 गुना और ये इससे शॉर्ट करके, उसमें जैसे क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो अलग डिग्री वाले होंगे, या बहुत सारे ऐसे होंगे 10th वाले होंगे, 12th वाले नहीं होंगे, है ना, तो वो हट जाएंगे, बाकी लोग क्या कर लेंगे, उनको फिल्टर करके आराम से सीधा बोल देगा कि इतना कट ऑफ जा सकता है, लेकिन ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी बात क्या कर सकता है कि वो फॉर्म फिल करवा ले एलिजिबिलिटी बेसिस पे, यहां पे एलिजिबिलिटी क्या होगी, 12th की एलिजिबिलिटी होगी, ट्रिपल सी की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक चांस लेके चलते हैं कि अगर मांग लेता है तब दो फिल्टर हमारे पास आ जाएंगे, एक 12th आ जाएगा, एक ट्रिपल सी आ जाएगा, ओवन डॉल है, ग्रेजुएशन सबके लिए है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं, है ना, 12th है तो ग्रेजुएशन की हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अभी यहां पे ये आपसे फॉर्म भरवाए, फॉर्म भरवाने के बाद से आपसे वहीं पे क्योंकि पीटी का स्कोर कार्ड आपको दे देगा, तो वो जो आप स्कोर कार्ड यहां पे सबमिट करोगे, उस स्कोर कार्ड के बिहाफ पे वो क्या करेगा, वहां से ऊपर से नीचे मेरिट निकालेगा और बोलेगा भैया जितने लोग फॉर्म भरे थे उसमें से इतने लोग केवल एलिजिबल हो। लेकिन यहां पे भी एक दिक्कत ये है कि फिर उन बच्चों के साथ गलत हो जाएगा जो बाहर निकलेंगे, उनका पैसा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो आयोग वो भी नहीं चाहेगा। तो दो केसेस अभी पॉसिबली समझ में आ रहे हैं, लेकिन दोनों कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इतना आसान विषय नहीं है, आयोग को भी इसमें समय लगेगा, वो पहले नॉर्मलाइज्ड स्कोर देगा और उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइज्ड स्कोर साथ ही आएगा, उसी में रहेगा पूरा, उसके बाद आपका क्या करेगा, मेरिट बनाएगा, फिर आपसे जो उसका उचित लगेगा वो करवाएगा, लेकिन इतना आपको समझते हुए चलना है कि दोनों ही केसेस में आपका 50-55 तो नहीं जाने वाला, ये बात आप समझ लेना, ठीक है ना। तो ज्यादा कड़वा है बट यही सही है कि भटकिए मत, थोड़ा बुरा लग जाए बट भटकिए मत, वो ज्यादा जरूरी है। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लेखपाल की तैयारी मत करो, बिल्कुल तैयारी करो, पॉजिटिव माइंड के साथ तैयारी करो, क्या होता है कई बार जिंदगी में हमारे पास विकल्प और कुछ नहीं बचता सिवाय हम अपनी कमियां जानते हुए भी आगे बढ़ने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। जिनके नंबर कम आ रहे हो सकता है उन्होंने पढ़ाई में कुछ गलतियां की हो सकता है कि उनकी कुछ किस्मत खराब रही हो सकता है एक आध टेम्परामेंट के कारण पेपर गड़बड़ हो गया हो। मैं सभी को एक समग्र रूप से एक इन जनरल फॉर्म में लेके चल रहा हूँ, सभी से बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे निराश होने की जरूरत नहीं है, ये कुंभ का मेला नहीं है, ये पीटी का एग्जाम है, हर साल आएगा ये, अभी जब तक आप लेखपाल उपाल का फॉर्म भरोगे एग्जाम होगा तब तक पीटी की परीक्षा फिर से आ जाएगी और आपको एक बार दोबारा से परफॉर्मेंस देने का मौका मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि लेखपाल अब आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, ये भी बात तय कर दीजिएगा। आयोग इस उसमें है कि जितनी वैकेंसी भर जाती है भर जाएगी, जितनी खाली रहेगी वो पूरा का पूरा क्या कर दिया जाएगा, अगली वैकेंसी में मिला दिया जाएगा, मतलब अब हर साल आयोग से आपकी वैकेंसी आएगी, तो ये जो इससे क्या होगा अवसर आपको हर साल बराबर मिलता जाएगा। तो पॉजिटिव रहने की जरूरत है, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, और पॉजिटिव होप के साथ आप इनिशियल में क्या पढ़ो मैं वो बोलूंगा,
इनिशियल में आप सबसे ज्यादा जीएस और हिंदी को पढ़ते चलो, क्योंकि कोई भी आप राज्य स्तरीय परीक्षा दोगे ये दोनों चीज आपसे जरूर पूछेगा, इसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद समय बचता है तो मैथ्स पढ़िए, और उसके बाद लगता है और लेखपाल के लिए ज्यादा डेडिकेटेड हो तो आप ग्रामीण परिवेश पढ़िएगा। और वैसे मैं बोलूंगा इसे एकदम मत पढ़िएगा, क्योंकि ज्यादा दिन की बात नहीं है, 10-15 दिन में आयोग सब क्लियर कर देगा, और 10-15 दिन में आप इतना नहीं खत्म कर पाओगे, ये बात भी सत्य है। उतने कहीं भी कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा हो, क्लास अगर आपने कहीं ज्वाइन कर लिया तो भी बोलूंगा आप इन लेक्चर्स को अभी स्किप कर दो, अपने को यहां तक केवल सीमित रखो, यहां पे पढ़ो जैसे भी आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये आप पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट करो लेखपाल की। जिनके भी आ रहे हैं, जिनके स्कोर 65-70 के ऊपर आ रहे हैं ना, 65+ आ रहे हैं, वो तो मान के चलो 65 नहीं मैं 70 बोलूंगा यहाँ पे, है ना, 70 के अबव आ रहे हैं वो तो 100% इन है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे 60% के नीचे आ रहे हैं उनके लिए चांसेस 50-50 का है, ये बात समझिएगा। और 60 से 70 वाले बीच में जैसे जैसे स्कोर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका मतलब बोल सकते हैं कि मेंस में बैठने के लिए, लेखपाल में बैठने के लिए चांसेस उनका बढ़ता चला जाएगा, इतना बात समझना है। 50 से लेके 100% में जितना भी इधर 60 से 70 में जितना स्कोर उधर जाएगा उतना ही आपके इधर चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, आप इतना समझो। तो तैयारी 70 वाले आप पूरा जोश के साथ तैयारी करो, इसके साथ वाले स्ट्रेटेजिक चलो आप क्या करो, आपको जीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, ठीक है ना। और उसके बाद आप भी ग्रामीण परिवेश बहुत ही कम पढ़ो, इधर वाले बच्चे जीएस पढ़ो, हिंदी पढ़ो, केवल दो ही सब्जेक्ट पढ़ो, ना ही आप मैथ्स में इतना दिमाग लगाओ अगर अपकमिंग कोई एग्जाम में मैथ्स नहीं पूछा जाएगा तो। और ग्रामीण परिवेश को तो आप देखो मत, मैं इतना आपको बोलूंगा, बस 10-15 दिन की बात है, 20 दिन की बात है, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। और जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, मैं तो चाहूंगा कि कम से कम कट ऑफ जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अवसर मिले, मैं तो हमेशा इस पक्ष में रहता हूं कि मैक्सिमम बच्चों को उनका मेंस में बैठने का मौका मिल जाए, लेखपाल में बैठने का मौका मिल जाए, उन्हें एक अवसर मिले। पहली बार थी तो उनकी ही गलती नहीं होती है, मैं जानता हूं ये बात, लेकिन कुछ चीजें सत्य भी होती हैं, इससे भी हम दूर नहीं जा सकते हैं। तो आपको इस चीज को समझते हुए अपनी तैयारी करना है। एक बात मैं और बोलूंगा, यही कारण है कि टीम ने कोर्स चलाया, कोर्स बहुत पहले से लॉन्च है, आप देख रहे होंगे जो बच्चे हैं हमारे ऐप पे बहुत पहले से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसकी लिंक 4-5 दिन से पहले एक्टिव है, लेकिन मैं आज तक पब्लिकली आके बोला नहीं कि हम लेखपाल का बैच चला रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं आपके साथ कुछ गलत हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे लगातार कॉल कर रहे हैं कि सर लेखपाल का बैच स्टार्ट कर दीजिए, सर उसमें क्लासेस डालना स्टार्ट कर दीजिए। क्या होता है कई बार हम लोग अपने हिसाब से नहीं चल सकते, बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है और उन्हीं को देख के चलना पड़ता है। तो अभी डिसाइड किया टीम की इसमें जो क्लासेस वगैरह हैं वो आपके लगभग एक वीक से स्टार्ट सब कुछ कर दिया जाएगा, इसमें नोट्स वगैरह आपके डाल दिए जाएंगे जो आपके कोर्स है। कोर्स की फीस 999 रखी गई थी, लेकिन अभी क्योंकि इतनी ज्यादा असमंजस की स्थिति में आप लोग हो, इतनी ज्यादा आपके साथ उहापोह की स्थिति है, तो ये पूरा 999 हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है भाई साहब, ये केवल 499 रुपए में कर रहे हैं, जिसमें आपको सारे के सारे वीडियो क्लासेस, सारे के सारे नोट्स और सारे के सारे आपको टेस्ट दिए जाएंगे सब कुछ। लेकिन ये तब तक रहेगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, स्कोर कार्ड नहीं आ जाता, या फिर ऐसा बोल दो पीटी का स्कोर कार्ड आने के बाद लेखपाल के लिए एलिजिबिलिटी आपको पता नहीं चल जाती, उसके बाद ये फीस 999 हो सकती है, या हो सकता है बढ़ के हो सकता है 1500 से 2000 भी हो सकती है, लेकिन ये तब की बात होगी। अभी क्योंकि आप भी बहुत सारे लोग सर्टेन नहीं हो, और ऐसे लोग हो जो श्योर हो, है ना, वो लोग तो जरूर कोर्स से जुड़ो क्योंकि स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन मैं किसी को फोर्स भी नहीं करूंगा, आपको जो उचित लगे वो करो, स्वैच्छिक है। यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यहाँ से बहुत ज्यादा पेट भर लूं, बहुत ज्यादा कमा लूं, नहीं, हमेशा परीक्षा प्लस कभी कमाने के लिए इतना नहीं था, बस इतना था कि आपके लिए मेहनत कर सके और हमारा भी दाल नमक चल सके, हमारे जो लोग होते हैं उनके परिवार चल सके, इतना सा होता है। जो बात सत्य है वो बोल रहा हूँ, जो बात सत्य नहीं है उसे हमें गलत बोलने में मुझे कोई परहेज नहीं है यहाँ पे, कि जो गलत है उसे भी मैं सही साबित नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो ये आपका 499 में अभी है, परीक्षा प्लस ऐप पे या इस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप कोर्स से जुड़ते हो तो तैयारी आपके साथ उसी जोश में कराई जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग समझो और पहले जीएस पढ़ो, फिर हिंदी पढ़ो, फिर मैथ पढ़ो, फिर अन्य कुछ पढ़ो, बाकी हम लोग मिलते रहेंगे। अभी बहुत सारे एफएक्यू के वीडियो इस पे चर्चाएं करते रहेंगे, क्या हो सकता है पॉसिबल, क्या नहीं हो सकता, अभी तक मैं खुद ही चुप बैठा था लेकिन नहीं रहा गया, आप लोगों के इतने सारे फोन कॉल्स देख के तो मुझे आना ही पड़ा यहां पे आपके सामने। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।